कारण सीमित समय है। बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, पहले भी तीन चार बार आए हैं हम, लेकिन इस बार हम हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और हिमालय की वादियों से जाएंगे। क्या नज़ारा है कश्मीर की वादियों का। और हेलीकॉप्टर का एक इतना अच्छा फायदा ये भी है कि कई बुजुर्ग भी आराम से जा सकते हैं। पेशेंट है कोई, है पैदल जाना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है गवर्नमेंट ने कि हम हेलीकॉप्टर से जाएं और बाबा के दर्शन करके अपने अपने इच्छा पूरी करें। हमारा यही एम रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजरों को ऊपर छोड़ें। हम बुजुर्ग वगैरह होते हैं वो चल नहीं सकते, या जिनकी कम छुट्टी होती है जल्दी जाके और जल्दी वापस आना है, तो उनका हम बहुत साथ देते हैं। अमरनाथ का 15-20 दिन ही चलता है, इसमें ही हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हेलीकॉप्टर लेके और ऊपर से नीचे पैसेंजरों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए। तो कितने हेलीकॉप्टर यहाँ पे हैं, या एक हेलीकॉप्टर में कितने जो पिलग्रिम्स बैठते हैं? यहाँ पे सर 6 हेलीकॉप्टर हैं, 3 ग्लोबल वेक्ट्रा के हैं और 3 एरो के हैं। हाँ जी। तो किस तरह की सुविधा एक हेलीकॉप्टर में होती है यात्री की सेफ्टी के लिए, और कितने इसमें बैठते हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, DGCA की गाइडलाइनों से सभी सुविधा होती है, अंदर सभी प्रिकॉशन भी लेते हैं हम, उनके DGCA की गाइडलाइन के अनुसार ही चलते हैं, सीट बेल्ट वगैरह सब उनके अकॉर्डिंग ही चलता है। श्राइन बोर्ड अधिकारियों के सहयोग से निजी कंपनियों द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तीर्थयात्री आमतौर पर अपनी पसंदीदा तारीखें सुरक्षित करने के लिए अपनी हेलीकॉप्टर यात्रा पहले से ही बुक कर लेते हैं। वे नीलग्रात हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पकड़ते हैं और घाटी के ऊंचे पहाड़ों पर 7 मिनट की मंत्रमुग्ध कर देने वाली उड़ान का आनंद लेते हैं।